हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन होम। आज की रेसिपी है मैगी, जो बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली है, एक नए अंदाज में। इस तरीके से बनाना आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने 2 पैकेट मैगी नूडल्स लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज का कट किया हुआ शिमला मिर्च लिया है, कट किया हुआ ग्रीन चिल्ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3 सूखी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून जीरा। मैंने पतीले को गर्म कर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी पतीले में 1 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैगी में जीरा, तो जीरा डालने से मैगी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। प्याज को बस हल्का पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को इतना ही पकाना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्राइड शिमला मिर्च ऐड करेंगे और दोनों को एक साथ पकाएंगे। अब 1/4 हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। पानी का मेज़रमेंट आप अपने अनुसार रख सकते हैं। बहुत से लोगों को मैगी गीला पसंद होता है, तो आप अपने अनुसार पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको 1 उबाल आने तक पका लेंगे। उबाल आ चुका है। अब इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैंने मैगी को 2 भाग में तोड़ लिया है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें मैगी मसाला डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक को ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी नमक मैगी में होता है। मैगी पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं मैगी में तड़का लगाऊंगी। जी हाँ, यही मैगी का ट्विस्ट है, मैगी में तड़का लगाना। मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। अब तेल भी गर्म हो चुका है और इसमें 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अब कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें तड़का लगाना है, तो इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। लहसुन अदरक हल्का ब्राउन हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैगी में तड़का लगा लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। नए तरीके से हमारा मैगी बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसमें थोड़े से धनिया पत्ते की गार्निशिंग कर लूँगी। आप इस तरह से मैगी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा।
अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।